यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब आखिरी दो चरण बचे हैं। 10 मार्च को हार और जीत का फैसला भी सभी पार्टियों का होना है। इसी बीच गोंडा के कैसरगंज लोकसभा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सरल सिंह को धमकी भरा पत्र और मिर्च का पाउडर मिला। इसके बाद सांसद प्रतिनिधि सुशील सिंह ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बताते चलें कि कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सरल सिंह के प्रतिनिधि की थाने पर दी गई तहरीर में बताया गया कि सांसद ब्रजभूषण सरल सिंह के नाम स्पीड पोस्ट से एक लिफाफा आया था जो 18 फरवरी को सांसद को मिला, जिसे त्रिलोकी नाथ तिवारी के नाम से पोस्ट किया गया था। लिफाफा खोलने पर उसमें एक धमकी भरा पत्र और 500 ग्राम मिर्च का पाउडर मिला। पत्र में लिखा था कि मुसलमानों के खिलाफ चुनाव में आपने बयानबाजी की, उसकी मैं निंदा करते हुए चेतावनी देता हूं कि जितना संभलना हो संभल जाओ, तुमको जान से खत्म करने का मैंने मेरे पार्टी के नेताओं ने अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर प्रबंध कर लिया है और जल्द ही इसका अंजाम तुमको दिखाई पड़ेगा। पत्र में कहा गया कि वैसे तुम काफी पहले से मुस्लिम आतंकवादियों के निशाने पर हो, बस उन्हें स्थानीय स्तर पर सहयोग देने वाले लोग नहीं थे, इसलिए अब तक तुम बचते रहे। अब तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं है, जितनी चाहो सुरक्षा रखो, हत्या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी हो सकती है, तुम तो अभी उनसे बड़े नेता नहीं हुए हो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार का निस्ता नाबूद करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। नवाबगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि त्रिलोकी नाथ तिवारी कंडैलगंज से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी हैं। सांसद प्रतिनिधि के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।